हेलो गाइस, तो भाई लोग कैसे हो। तो गाइस मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो भाई आ चुकी है पबजी कोरिया की बहुत दिनों के बाद एक न्यू और लेटेस्ट वीपीएन ट्रिक। तो भाई इसको इनेबल करने के लिए वो करना क्या पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सोलो वीपीएन की लिंक मिल जाएगी। जाओ उस लिंक पे क्लिक करना और एंड सोलो वीपीएन को गाइस डाउनलोड कर लेना एंड उसे साउथ कोरिया के गाइस सर्वर से कनेक्ट कर देना। तो गाइस ये कनेक्ट हो रहा है तो यार आप थोड़ा सा वेट कर लो। एंड भाई बता दो, मैंने अपने इंस्टा आईडी को टर्मिनेट कर लिया है, सो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे आप फॉलो मत करना। एंड आप चाहोगे डीएम वगैरह करना तो आप नहीं करवाओगे। ओके, तो भाई वीडियो के एंड में बताता हूँ कि भाई मैंने टर्मिनेट क्यों किया। तो पहले यार वीपीएन ट्रिक को चेकआउट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये साउथ कोरिया के गाइस सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। एंड कनेक्ट होने के बाद ये लोडिंग ले रहा है, तो सो कीप वेट। एंड भाई लोडिंग लेने के बाद चलते हैं इवेंट वाले सेक्शन में। और गाइस यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे हैप्पी हैलोवीन प्ले लॉगिन इवेंट 3, मतलब ये पहले 1 आया था, फिर 2 आया, अब ये 3 आया है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे आपको करीब 20 लॉलीपॉप बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। आपको बस करना है कि आप प्ले 1 गेम इन क्लासिक मोड इन स्क्वाड में आपको खेलना है, प्ले 3 गेम्स इन क्लासिक मोड इन स्क्वाड में खेलना है, एंड प्ले 5 गेम्स इन क्लासिक मोड इन स्क्वाड में खेलना है। लिटरली बस आपको 5 मैचेस खेलने हैं और एंड आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, एंड भाई साहब आप चाहो तो क्या करना, आप पहले गेम स्टार्ट कर लेना, जब गेम एंड होने वाला होगा तो आप सर्वर लगा देना, या बस सिंपल सा सर्वर लगा देना। इट मीन्स आपको कंप्लीट नहीं करना है, बस आपको सर्वर लाइक आप साउथ कोरिया कनेक्ट कर दो एंड आप गेम स्टार्ट करो और कोई दूसरा यूरोप वगैरह लगा देना एंड पानी में जाके जंप लेना एंड पानी में जाके मर जाना। ठीक है, तो फिर भी आपका एक मैच कंप्लीट हो जाएगा ऐसा, या 5 मैचेज या 10 मैचेज जितने भी कंप्लीट करने पर आप कर लेना। बस जाना है, मरना है, जाना है, मरना है, किसी और सर्वर पर लगा कर मर जाना। इससे आपका टीयर भी नहीं डाउन होगा एंड आपका मिशन भी कंप्लीट होगा एंड आप 20 ये वाली चीज़ें अचीव कर लोगे। ठीक है, एंड भाई साहब बता देता हूँ मैंने टर्मिनेट क्यों किया है। तो भाई साहब करीब 270 DMs हो गई थी एंड बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हो गई थी और मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। ठीक है, एंड उसमें कुछ बंदे ऐसे थे जो जिसे मैंने रिप्लाई दिया था, तो रिप्लाई देने के बाद भी कुछ ऐसे बंदे थे मुझे बोल रहे थे कि भाई तेरा ईगो बढ़ गया, तेरे सब्स बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, इसलिए तू अब रिप्लाई नहीं देता है। तो भाई मुझे तो बुरा बुरा कुछ लगा नहीं। तो भाई जो सच्चाई है, मैं एक साथ 400-500 बंदे का SMS का रिप्लाई नहीं दे सकता, मैं मुझसे नहीं होगा। जो सच्चाई है मुझसे क्या किसी से भी नहीं होगा। अगर आप 400-500 बंदे का एक साथ रिप्लाई देते हो तो फिर वो रिप्लाई बैक करेंगे ही। ठीक है ना, तो भाई मुझसे उतना रिप्लाई नहीं हो पाएगा। सो डैट्स वाई भाई मैंने अपनी आईडी टर्मिनेट कर ली है एंड इन फ्यूचर अगर मैं बनाऊंगा तो देखा जाएगा, बट अभी मेरे पास कोई इंस्टा आईडी नहीं है। अगर आपको मुझे फॉलो ही कुछ पे करना है तो बस आप मुझे यहीं पे सब्सक्राइब करो एंड कुछ भी न्यू लीक्स नोटिफिकेशन कुछ भी न्यू चीज़ें आएंगी तो मैं कम्युनिटी में डाल ही दूंगा। एंड स्टोरी टैब तो आ ही चुका है अपना, तो स्टोरी टैब में भी आप डाल दूंगा, कुछ भी न्यू चीज़ें आएंगी तो मैं वहीं पर ही डाल दूंगा। ओके, एंड भाई सब बता दो, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तेरी पबजी आईडी क्या है, तो भाई ये है मेरी पबजी आईडी। एंड भाई साहब बता दो प्लीज़ यार, इस रिक्वेस्ट सेंड मत करना। अगर आपको पॉपुलैरिटी देने का मन है तो आप देख सकते हो, बट यार रिक्वेस्ट सेंड आप मत करना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि क्यों नहीं देना भाई रिक्वेस्ट सेंड। आप मेरा स्टैटिक्स चेक कर लो, देखो भाई मैं डायमंड लॉबी का बंदा हूँ, डायमंड प्लैटिनम लॉबी का बंदा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ईसीआर रैंकिंग में कि भाई मेरा 2 का KDO स्क्वाड में, डुओ में भी करीब 3 का KDO एंड सोलो का तो बात ही छोड़ दो, है ही नहीं बिल्कुल। तो भाई यही है, और ज़्यादातर मैं यूरोप में खेलता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी खेलता हूँ। तो भाई जानते हो ना कि भाई अब ये नूब को क्यों, आप क्यों रिक्वेस्ट सेंड करोगे। तो फालतू मुझे रिक्वेस्ट सेंड मत करना, क्योंकि यार फालतू है, मुझे आता ही नहीं, तो फालतू में रिक्वेस्ट सेंड करके क्या करोगे। ठीक है, एंड भाई साहब ये देख लो मेरी है आईडी, अगर आपको पॉपुलैरिटी देने का मन होगा, आईडी मेरी चेकआउट करनी है कि भाई सही में बता रहा है कि नहीं बता रहा, आप चेकआउट कर सकते हो। एज ऑलवेज आपको जो मन है आप कर सकते हो। ठीक है, बस आप रिक्वेस्ट सेंड मत करना। सो आई विश आपको वीडियो का भी पसंद आई होगी और भाई मेरी सारी बातें आप समझ चुके होगे। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।